ओहो क्या नज़ारा है भाई साहब, क्या नज़ारा है। पता नहीं वो चीज़ कैमरा में आ रहा है कि नहीं, और इतना तेज हवा चल रहा है, कैसे भीग रहे हैं। डूबा डूबा बनारस देख लो भाई, किधर जाएं यार। वाराणसी पूरा डूब गया है, बहुत हिप। हाँ इधर का। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीएस गियर्स। और अभी हम लोग निकल चुके हैं एक बहुत ही अच्छी शाम जीने के लिए, है ना जी। हम बोलेंगे एकदम बवाल बोलेंगे। बोलिए बोलिए, वो माइक लगा हुआ है। हाँ आवाज़ आएगा। रास्ता आपको पता है ना। तो ये देखिए, अभी मैं हूँ वाराणसी में, आज ही आया हूँ आगरा से रिटर्न, और गाड़ी अपनी लगी हुई थी 3-4 दिन से, सोचा इसको ज़रा टहला लिया जाए। दिन में तो काम था, साइट का टाइम मिला नहीं। तो अभी हम लोग चलते हैं, देखिए अब कहाँ कौन से घाट पे जा रहे हैं। 80 घाट भाई अभी लेके जाएंगे। और ये ट्रैफिक देख के तो अभी ही से मज़ा आने लगा। ये ट्रैफिक वहाँ तक ऐसा ही मिलेगा क्या? हाँ आंटी जी, तो हारी नहीं मान रही है स्कूटी वाले, एकदम रेस लगाने के लिए बेचैन है ट्रैफिक में। हाँ क्या बोला, जब ये दिन आ गया अब स्कूटी वाले लोग भी रेस लगा रहे हैं और हम चुपचाप देख भी रहे हैं, क्या कर सकते हैं। ये देख लीजिए ट्रैफिक रूल एकदम वाहियात ट्रैफिक रूल है ये, मतलब क्या बोलूँ ना, कोई नियम है ना कुछ सिस्टम है। पुलिस वाला भी खड़ा है, वो भी एकदम निकम्मा है। बताइए वाराणसी तो हॉट है ये, और यहाँ पे 80 घाट जाने में ये ऐसा हो। केदारनाथ मंदिर, केदार घाट, आगे ले लो यार। पुलिस को रखना चाहिए वहाँ पे, है क्या नहीं है झाटू है बहन, जो किसी काम के नहीं है पुलिस वाले, मस्त रिलैक्स कर रहे हैं उधर। अस्सी घाट यही जाएगा ना। लैला मजनू बिना हेलमेट के कट मारते हुए, अभी तो चलो शांत हो गया है, देख लिया इन्होंने ना कि वीडियो बन रहा है, मतलब बहुत कट मार रहे थे लैला मजनू, गिरने पर दोनों के दोनों छिटा जाएंगे। ऐसी गलती आप लोग ना करें। स्ट्रेट जाना है ना अपने को। चलो भैया आ गए अपन 80 घाट, अभी डालते हैं बाइक को पार्किंग में। लास्ट में, अरे यहाँ जगह तो है, एकदम सीधे सीधे सीधे। देखिए अभी मैं 80 घाट पे आ गया हूँ, और बादल कैसे कड़क रहा है। और यहाँ का व्यू एक बार आप लोग चेकआउट करें। और अभी आने वाला है, ये देख लीजिए मेन चीज़ जिसके लिए हम आए हैं, गंगा घाट। इतना खूबसूरत लग रहा है, कैसे बच्चे खेल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, मस्त चाय पी रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, मज़ा आ गया मेरे एकदम। पटना याद आ गया मेरे को, मरीन ड्राइव हम वहाँ भी रहते हैं, तो यही नाइट में जाते हैं, बैठते हैं मस्त चाय वाय पीते हैं।
देख लो भाई मस्त जगह है यार वाराणसी में। तो मैं इतनी बार आया हूँ पर रात को वो मेन गंगा आरती में रहा हूँ, इतना भीड़ था कि फिर मैं दोबारा कभी सामने आया नहीं। पर आज देखो इन्होंने इंसिस्ट किया मेरे को लेके यार, कितना मज़ा आ रहा है यार। ये पानी देख रहे हो आप लोग, पानी के बीचों बीच वो लाइट जल रहा है। ये हंसी ब्रो 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 पहुंच, ये हंसी आप लोग इंसिस्ट करके यहाँ लाया, मेरे को बहुत मजा आया। मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे को तो ये पार्ट ये पोर्शन दिखाई नहीं था यहाँ का। ओहो क्या नजारा है भाई साहब, क्या नजारा है। पता नहीं वो चीज कैमरा में आ रहा है कि नहीं, और इतना तेज हवा चल रहा है ना, और यहाँ पे थंडरिंग हो रहा है, बादल गरज हो रहा है एकदम। ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आ जाए, कभी बारिश आ जाए। अभी आप लोग ध्यान से, मैं थोड़ी देर रखता हूँ कैमरे को। देखिए देखिए देखिए, हुआ लाइट आई, अभी देखिए थंडरिंग आया साहब, क्या मज़ा आ रहा है यार। देख लीजिए, ओहो हो असली मज़ा, समंदर किनारे ही है रात को, मज़ा आ गया मज़ा। देख लीजिए बारिश स्टार्ट है यहाँ पे, 80 घाट से अभी सब लोग भागने लगे, क्या मस्त हवा चल रही है। बारिश आ गया भाई 80 घाट में बारिश। ओ हो हो भाई साहब क्या नजारा है यार। बारिश स्टार्ट है, यू तो है भाई सही जगह लेके आए ना बस। तो देखिए बारिश में कैसे, ओ भाई साहब भाई तो भीग गई होगी अपनी, क्या बोल रहे हो। अभी हुए भाई साहब 80 घाट के पास, कैसे भीग रहे हैं। क्या बोल रही है, बहुत परेशानी हो गया यार। कितने दिन हमारी गाड़ी का, ये देख लीजिए 80 घाट से जस्ट निकला हूँ एंड आई एम स्टक इन हेवी ट्रैफिक। आगे से कुछ रास्ता है ना पीछे से एकदम भाई। वाराणसी का कोई ऐसी गली नहीं है जो पूरा फ्लडेड ना हो। अभी तक मैं जहाँ से भी आ रहा हूँ मेरा कैमरा ऑफ था, बाकी अभी ये नज़ारा देखिए, ये तो बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। उधर बाप रे साइलेंसर डूब गया था बाइक का, जिनकी बाइक बंद हो जा रही थी ना उसमें एयर क्लीनर में पानी जल जा रहा था, वो उधर उधर के धक्का लगा रहे थे।
मैं तो बहुत लकी हूँ, अभी मेरे को उल्टा पड़ा 5 किलोमीटर जैसा, पर मैं निकल गया हूँ, गली गली जाऊँगा। भाई साहब आज 80 घाट जाना बहुत महंगा पड़ गया मेरे को, बहुत ही ज़्यादा। एक तो बारिश आया, वहाँ रुका, भीग रहा था। बारिश के बाद से ये गली देखी हुई लग रही है मेरे को। ये देख लीजिए, जैसा मैंने बोला था, अभी यहाँ पे एकदम पूरा पानी जमा हुआ है। बनारस एकदम, मैं सिंपल वर्ड में कहूँ, इन शॉर्ट वाराणसी पूरा डूब गया है। बहुत हेवी रेन आई थी, अभी देखते रहिए आप लोग आगे तक एकदम। और इसमें चलाने में बहुत वो है, आपको संभाल के चलना होगा, कहीं पे खड्डा है, कहाँ रोड ख़त्म है। मैं तो डरे डरे चल रहा हूँ बीच में। और इसमें ये भी देखना है कि बाइक बंद ना हो, बंद हुई तो फिर गेम ओवर, स्टार्ट नहीं होगी। देखो कहाँ उड़े आ रहे हो यार, देखिए देखिए। ओहो अरे भाई ए रुक, मैनरलेस लोग हैं। और इसमें गाड़ी धीरे चलाना चाहिए तो तेज चला रहा है। रुक जा यार, हाँ इधर कहाँ, इधर कहाँ। ओहो भाई साहब गजब फंसा आज में तो, गजब। क्या बोलो यार, समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए वाराणसी का हाल, ये है भैया बनारस। हाँ किधर जाएं यार, ये देख लीजिए। यहाँ से 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं। क्या पूरा डूब गया है वाराणसी यार, इसका हाल तो बहुत खराब है, देख लीजिए। भैया ताज जाना है, हेलो भैया ताज गंगेश जाना है, नदेसर, ताज नदेसर जाना है, सीधा जाएगा। अच्छा ताज गंगेश होटल जाना है नदेसर, ये जाएगा सीधा, चला जाएगा। थैंक यू पुलिस वाले, देखिए भाई गाना सुनते हुए चल रहे हैं। क्या यार ये तो बिहार से भी गहरा लगा मेरे को यार, मैं तो फिर भी ठीक है रेस्पॉन्स लेते हैं। अभी यहाँ से गूगल मैप दिखा रहा है 3.8 किलोमीटर ताज गंगेश। देख देखिए भैया ने गाड़ी बंद कर दी, हालांकि नई गाड़ी है पर इन्होंने बंद कर ली। डूबा डूबा बनारस देख लो भाई, पूरा डूब चुका है। ये कुछ मैनरलेस लोग, अच्छा हुआ मैंने आज स्लीपर पहन के आया हुआ था, शूज़ पहनने का मन था पर दिन भर सोचा नहीं साइड पे शूज़ पहनाओ, स्लीपर पे चलते हैं। एकदम सही डिसीजन और एकदम अच्छा जो बोला जाता है वो डिसीजन रहा मेरा। और ना ये देख लीजिए, पैर की तो वाट लग जाती है और शूज़ की। भाई साहब बहुत बुरा हाल है वाराणसी का, बहुत बुरा। अभी तो ये बारिश की थोड़ी सी ट्रेलर है क्या भाई, ट्रेलर में जब ये हाल है, डूब जा रहे हैं, गाड़ियाँ बंद हो जा रही है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, तो जब रियल वाली बारिश स्टार्ट होगी तब तो यार दिक्कत हो जाएगा यार, बहुत महंगा पड़ेगा कहीं निकलना मेरे को, तो अभी सही गाड़ी धो के लगाना पड़ेगा पॉलिश मार के। हालांकि बरसात में तो जब भी गाड़ी धोएं पॉलिश ज़रूर लगाएं ताकि कोरोजन ना लगे। अभी 3.5 किलोमीटर्स,
यार हम बारिश में तेज चल नहीं पा रहे हैं, रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है यार। और टाइम गाड़ी में आप लोग देखें 10:43, मज़ा आ गया भाई साहब। फंसा तो थोड़ा बुरा लगा पर मज़ा आ गया। हर्ष मैं यहाँ से देखा हूँ, अब यहाँ से किसी से पूछने की ज़रूरत या गूगल मैप की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा स्पीड नहीं चला सकते ना यार। TVS अपाची क्या करती है ना, आगे रेमोरा टायर दे देती है, वो बहुत स्किट होता है। साला 2-4 हज़ार ज़्यादा ले ले, रेमोरा हटा दे आगे से। पर नहीं, हम TVS ये TVS वाले हैं, लेकिन कहाँ किसी की बात सुनेंगे। टिफिन वाली से पूछो लाएगी कि इधर ही खाना पड़ेगा। टिफिन वाली से पूछते हैं, वो क्या रहते हैं, पहले इधर से निकला जाएगा। इधर से निकल गए, अब ट्रैफिक नहीं मिलेगा मेरे भाई। मैं नदेसर घंटा मार्केट है, मार्केट है नॉनवेज के लिए। आज दिन तो देखो, आज ट्यूसडे है। बाइक में टायर प्रेशर कम होने के कारण जितनी एक्सेलरेटर में इसको 60 जाना चाहिए उतने में 40 रह रही है। मार्केट देख लीजिए, बारिश के बाद भी क्या मस्त माहौल है। चलिए, हमने इतना दिक्कत झेला, पानी में गाड़ी कुदाया, ट्रैफिक में रुका, 80 घाट से आने से यहाँ देख लीजिए कितना टाइम लग गया मेरे को। पर ये सब मेहनत के पीछे एक मोटो रहता है कि एक अच्छी वीडियो निकाल पाएँ हम लोग और आप लोग के बीच में रख पाऊँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगे, कहीं भी कुछ थोड़ा सा भी पार्ट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ चेंज करना हो तो बताएं, कोई पैटर्न में या किसी चीज़ में दिक्कत आया हो तो। बाकी चलिए, आज तो हमने 80 घाट एक्सप्लोर किया। आकि आप लोग कमेंट करें वाराणसी में और क्या देखना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पर और भी बहुत चीज़ देखने वाले हैं, तो मैं ज़रूर घूम के दिखाऊँगा।